नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद, और अब बात करते हैं शिवराज कैबिनेट की बैठक की, जहां पर इस अहम बैठक में कई फैसलों को मंजूरी मिली है। सरकार के प्रवक्ता नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि देश के होनहार विद्यार्थियों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने बड़े फैसले किए हैं। सरकार ने तय किया है कि जेईई परीक्षा में 1.5 लाख रैंक तक के विद्यार्थियों की फीस अब सरकार भरेगी। इसके अलावा 12वीं की परीक्षा में 70% अंक लाने वाले विद्यार्थियों को भी मुख्यमंत्री मेघावी विद्यार्थी योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अलावा प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा मंडल की 12वीं की परीक्षा में 70% अंक लाने वालों को भी योजना का लाभ दिया जाएगा। वहीं सरकार ने महिला स्व सहायता समूह को भी सौगात दी। समूहों को 3 लाख रुपए तक के लोन पर 3% ब्याज सब्सिडी देने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके अलावा स्टेट हाईवे की सड़कों के उन्नयन के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक से 3,250 करोड़ रुपए का लोन लेने के प्रस्ताव को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। सरकार ने रोगी कल्याण समिति में कार्यकारी मंडल को और मजबूत बनाया है। वहीं 14 चयनित स्थलों के अधोसंरचना विकास कार्य को भी कैबिनेट में अनुमति मिली। जो पूरे प्रदेश के अंदर कृषि सम्मेलन, कृषि विज्ञान मेले, कृषि संगोष्ठियां, नवीनतम कृषि नीति प्रचार प्रसार हेतु डिस्प्ले, फ्लैक्स बोर्ड, दीवार लेखन आज प्रचार प्रसार के लिए तय किया गया है। इसमें पहले जो रथ चलते थे उनको माइनस करके इन सब पर फोकस करके किसानों को जो कृषि के क्लस्टर बने हुए उन क्लस्टरों में सम्मेलन होंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा में स्व सहायता समूहों को 3 लाख तक बैंक ऋण पर 3% अतिरिक्त ब्याज अनुदान सरकार मध्य प्रदेश भरेगी। और आगे बढ़ो, कुल राशि आरक्षित करके रखी है इनके। भोपाल से ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज आज। फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।